वंस मोर कह रहे भैया चला दो अब. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. ये इसकी शुरुआत है. अब जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं चाहूँगा कि कास्टिंग और साथ साथ में फिल्म के 5 गाने आप लोग देखें. और ऐसे आप लोगों का इलेक्शन देख के मैं बहुत खुश हो गया. थैंक यू सो मच. बहुत समय हो गया जिस वक्त मैं फिर फिल्म लाइन में आ रहा था. मैंने तब 8 पुट ऑन कर लिया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि अब रिड्यूस कर जाऊंगा. बहुत समय लग गया तो इट वॉज नॉट सो इजी. और जिस वक्त किया तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह के स्टंट्स मैं कर पाऊंगा. बहरहाल जैसे जैसे एज आगे निकलती है आपका हार्डवर्क जो है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है और सोचना पड़ता है कि भैया करते समय ये तकलीफ जो है इसकी तकलीफ और ना हो जाए किसी तरह से. तो जैसे आप लोगों को ये अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो सिनेमा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. और इसमें जो मुझे समझ में आया, जो जो मुझे प्रेरणाएं मिली, या उर्दू में कहिए तो आमद हुई, जो अलहाम हुए मुझे, मैंने उस वक्त जो सोचा, मुझे जो सही लगा, वो जो दिल में आया वो आप लोगों के समक्ष होगा. और वो कहते हैं जो दिल से दिल को राह हो जाती है वो कभी गलत नहीं होता है. तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. सभी आर्टिस्टों का धन्यवाद देता हूँ. आज यहाँ पर मेरे साथ वो लोग अभी इस वक्त नहीं है, परंतु वो नेक्स्ट टाइम सभी आर्टिस्ट आप लोगों के साथ होंगे. एंड डायरेक्टर्स और कैमरामैन और टेक्नीशियंस और जो जो व्यक्ति मेरे साथ इस फिल्म में जिन्होंने मेरा साथ दिया है, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ. मैं जिनके नाम नहीं भी ले रहा हूँ कृपया मुझे क्षमा करें. और अच्छा वक्त जो होता है वो साथ सही होता है. चाहे वो जो व्यक्ति हो, चाहे वो जो शक्ति हो, उसकी जगह पे वो कमाल होती है और वो उसकी जगह रखती है. तो कहीं मुँह से मैं कहीं भूल चुका गई हो कि भैया इस व्यक्ति का नाम अभी इस वक्त नहीं लिया गया है, तो मुझे क्षमा करें. थैंक यू वेरी मच. और आई अब हाँ जी हाँ आज बर्थडे है तो ज्यादा एज डिस्कस नहीं कीजिए. आप उधर बैठो. सर यहाँ पे सर एक बार लेफ्ट में देखिए सर. आगे आगे यहाँ पे सर चोरी पकड़े ना नजर सर सूरी पकड़ा ना सूरी हाथ सूरी हाथ पकड़ा जरा सर फिर एक्शन के लिए दोस्त सर जरा आप लोग थोड़ा सर को अकेला सर सर यहाँ पे राइट सेंटर थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर और ट्रेलर देख
आज आपने अपने फैंस को इतना सरप्राइज दिया है ट्रेलर लॉन्च करके अपनी आने वाली नई मूवी का, तो इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, जो एक्टिंग तो हो रही है उसमें साथ में अभिनय जो होता है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। अभिनय का मतलब एक्टिंग ही होता है, और अभिनय के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आती हैं, और आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। तो हर व्यक्ति में हीरो तो होता ही है, ही हैज़ टू इन हिज हार्ड टाइम ही हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ वेयर देयर हीरो इज़। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ ऑलवेज देयर इन योर राइट डिसीज़न। तो जिस वक्त राइट डिसीज़न में आप लिया करते हैं तो आपका हीरो बाहर आता है। आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 15 ईयर्स हो गया मुझे एज अ मेरी हीरो फिल्म आई नहीं। पार्टनर में भागम भाग में आप लोगों ने मुझे देखा, उसमें मैंने करेक्टर रोल किया, क्योंकि वर्क अच्छा होता है तो लोग तारीफ करते हैं, इज्जत अफजाई हो जाती है हर जगह, उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। जिन्होंने वर्क दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परंतु एज ए हीरो आप लोगों ने जो अभी इस फिल्म में गाना देखा या इसके डायलॉग्स आप लोगों ने लिखे, ये इस तरह का आपको पहले देखने मिलता है। गोविंदा सर, आपका काफ़ी लंबा और कामयाब करियर रहा है, तो इस लंबे और कामयाब करियर में काफ़ी जगह शूटिंग की होगी, छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है कि फिल्म मेकर्स आए वहाँ पे फिल्म बनाए, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया है, तो इस बारे में आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि सेलिब्रिटी, क्योंकि आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिला। सदैव धन्यवाद है, इसलिए उसकी सब उसका उसकी वजह यह है कि देशकाल परिस्थिति जो हो, कलाकार की कल्पना जो है वो सदैव काम करती है, और जिस जिस स्थान में कलाकार का सम्मान होता है उनकी की हुई दिव्य रचनाओं का और उनके साथ में जुड़ने का, और कला के माध्यम से जो स्टेट बाहर निकलती है, ऊंचाई पे आती है, वो कमाल करती है। हर व्यक्ति में कुछ तो कमाल होता है, उस कमाल की जो इज्जत करते हैं उसका धन्यवाद। गोविंदा सर, निवेदन करूंगा कि झारखंड गवर्नमेंट को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके लिए। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट झारखंड गवर्नमेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स, स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ those who give importance to the importance and respect to art. गोविंदा सर, अच्छा और बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, तो जैसे आपने कहा कि आपने कुछ डिसीजन गलत लिए है, तो पॉलिटिकल करियर का जो डिसीजन था उसको आप अभी भी रिग्रेट करते हैं? हाँ, और आजीवन। मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय के आप ज्ञाता ना हो वहाँ पे उपस्थिति आपकी जो है वो दुखद होती है, क्योंकि आपके उसका भाषा का, उसकी समझ का और उससे जुड़े हुए लोगों का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उसमें जो हम जैसे लोग हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें विचारधाराओं को पकड़ के हम लोग आगे निकलते हैं, तो उसमें शत्रु और दुश्मनियाँ और ये सब चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा उसमें फंसते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग तो वर्ग होता है, और उस वर्ग से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो है वो आपके मित्रगण हैं, और चाहे आपके विचार मिलते हों या ना मिलते हों, परंतु आप सम्मान और प्रेम उसे बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे हों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या जो आदरणीय व्यक्ति जो लोग मैंने देखा है, चाहे उनकी विचारधारा जैसी हो, पर्सनली वो बहुत अच्छे रहे, तो ऐसे लोग जो हैं मुझे सदैव अच्छे लगते हैं। अभी इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, तो क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है उस पर डिस्कस नहीं करता। सर, डांसिंग की बात आए तो आज भी आपके मुकाबले कोई नहीं ये मानते हैं, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं अच्छा डांस करते हैं, लेकिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये खुद आप मानते हैं इस बात को? थैंक यू सो मच। मेरा डांस डांस नहीं होता है, बिना बोले बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सीन चल रहा हो। तो वो अच्छा लगता है लोगों को बहुत। आपने काफ़ी ऊपर नीचे देखे, जैसे आपने आज का इवेंट में भी स्टार्टिंग में बताया कि बॉलीवुड में आपने काफ़ी ऊपर अप्स एंड डाउन देखे, तो इस वक्त वो जब डाउन थे तो आपको कोई भी बॉलीवुड फ्रेंड्स जो आपको मॉरली या फाइनेंशियली या कुछ भी सपोर्ट देते थे? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे जो आदरणीय जितने गुरु रहे हैं मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो
आदरणीय दिलीप साहब रहे हों, चाहे वो आदरणीय कादर खान जी रहे हों, चाहे वो कीर्ति भैया हैं, आदरणीय रोशन तनया जी हों, आदरणीय सरोज खान जी हों, और गुरु वर्ग से जुड़े हुए सब लोग जो हैं, आप सभी के प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत लकी रहा हूं कि आप जैसे गुरु मुझे मिले। माँ बाप के साथ गुरुओं का साया जो है वो कमाल करता है, और मेरी ज़िंदगी में वो मुझे देखने भी मिला, तो उसका धन्यवाद है। और साथ सर ज़ाती ज़िंदगी में आई बीन वेरी लकी दैट आई गॉट टू चांस टू वर्क विद द लीजेंड्स, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब हों, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, आदरणीय राजेश खन्ना जी हों, आदरणीय शत्रु भैया हों, आदरणीय धर्मेंद्र जी हों, आदरणीय जितेंद्र जी हों, इन लोगों से मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ काम करके बहुत सुखद वो अनुभव रहा है, तो दैट हैज़ वर्क्ड। जिस वक्त आप लोग ग्रेट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप पर्सनालिटीज से मिलते हैं, जिस वक्त लेजेंड लोग जो आपके साथ होते हैं सम्मुख होते हैं, तो उस वक्त तो काम हो रहा होता है। जीवन में भगवान ना करे कभी कष्ट आता है तो आप तकलीफ़ के दौर से निकल आते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पे ये लोगों का साया रहा है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, डांस मास्टर्स, टेक्नीशियंस, ऑल द ग्रेट पीपल। मेरे साथ जुड़े हुए जो वर्क करते हुए आदरणीय शशि प्रभु जी हैं, और ख़ासतौर पे मैं आज पत्नी का मैं सुनीता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी वजह से आई कुड मेक दिस फिल्म, अदरवाइज चांस ही नहीं था। वो अगर वो कहती कि नहीं करिए आप, तो ये मैं चाह रहा था कि एज ए हीरो जो ब्रांड है वो रहे। उस वक्त तो सिर्फ थॉट ही था, ये सोचा नहीं था कि पिक्चर अच्छी बन जाएगी। तो टच वुड इज लुकिंग सो नाइस। जी अब देखिए, ये इस सक्सेस के साथ सब ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वर्षानुवर्ष आप लोग साथ देते आए, आप लोग का साथ रहे तो फिर सभी सपने साकार होंगे। गोविंद सर, आज आपका बर्थडे भी है और आज की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो क्या आज शाम को ग्रेट सेलिब्रेशन होने वाला है? अब क्योंकि वन आफ्टर अनदर बहुत से ऐसे इवेंट्स आप लोगों के समक्ष आएंगे, मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वो बरकरार रहे वो जो चाह है, तो उसके लिए एक साथ सभी चीज़ें नहीं की। वन आफ्टर वन थैंक यू। थैंक यू सर।